नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो यूट्यूब पर मुझे पढ़ाते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और देश भर के छात्रों के द्वारा समय समय पर मुझसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हमको कैसे करनी है। तो मैं उनके सभी प्रश्नों को समेकित करके कंपाइल करके आज का मैं यहाँ लेक्चर लेकर आया हूँ। तो इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप इसे अंत तक जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। भले ही आपने मेरे और किसी वीडियो को आपने इग्नोर कर दिया होगा या स्किप करके देखा होगा, लेकिन आज का यह जो लेक्चर है यह बहुत ही सारगर्भित लेक्चर है। इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत फायदा होगा। कि किसी भी परीक्षा के लिए यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे किताबों का अध्ययन करना है, चाहे आप यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे रहे हो या फिर आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हो, यूनिवर्सिटी परीक्षा मतलब बीए में, या फिर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे या स्टेट पीसीएस स्टेट पीएससी की परीक्षा दे रहे होंगे हिंदी साहित्य को वैकल्पिक विषय लेकर, या फिर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप सीएटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप केंद्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय के लिए जो एग्जाम्स होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा जो लेक्चर है बहुत ही आपके काम का है। सबसे पहले मैं किसी भी एग्जाम के लिए जो टेक्स्ट बुक निर्धारित होते हैं, पहला पॉइंट तो यह है कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए कुछ टेक्स्ट बुक निर्धारित होते हैं, जैसे गोदान है, गबन है, राग दरबारी है, कामायनी है या जो भी किताब है। तो पहला मेरा टिप तो यह है कि उन किताबों का, उन टेक्स्ट बुक का आप अवश्य अध्ययन करें। मतलब जो टेक्स्ट बुक निर्धारित है आपके कॉलेजेस के परीक्षा में या फिर किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप उस टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें। उससे क्या है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या विषय है ये। मतलब टेक्स्ट बुक बहुत मस्ट है। अगर आपने टेक्स्ट बुक की पढ़ाई कर ली तो आधा रास्ता तो आपने ऐसा ही तय कर लिया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के यदि आप छात्र हैं तो जैसे ही आप क्लास 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास की कम से कम 2 किताबें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। एक तो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी जो किताब है वह है डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का। तो ये जो 2-3 किताबें हैं, 2 किताबें तो आपके लिए मस्ट है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं। इन किताबों को आपको ध्यान से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। निश्चित रूप से कुछ शब्द आपको कठिन लगेंगे इनमें, तो आपको क्या है हिंदी का एक बहुत ही अच्छा शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर हरदेव बाहरी का जो शब्दकोश है बहुत अच्छा है, उसको आप जरूर पढ़ें। तो ये आप समझ गए हिंदी साहित्य के इतिहास पर आपका जितना अच्छा कमांड होगा, खासकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आज भी मील का पत्थर माना जाता है। इसको तो आप 2-3 बार कम से कम अवश्य पढ़ें। ज्यादा पेजेस नहीं है, हार्डली 500 पेजेस है उसमें, बहुत ही जल्दी पढ़कर आप खत्म कर सकते हैं। उससे घबराने या डरने की बात नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर तो मैंने यहाँ पर सीरीज भी चालू किया हुआ है, लेक्चर सीरीज, उसको जरूर देखते रहिए। इसके बाद क्या है अवधारणाओं को समझना, चाहे हिंदी आलोचना हो, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो। छात्र क्या करते हैं, उनको चाहिए नोट्स या फिर गाइड चाहिए, वहां से लोग पढ़ लेते हैं और अवधारणाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। आपका मूल उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं होना चाहिए, ज्ञानार्जन होना चाहिए। यदि आप ज्ञानार्जन के उद्देश्य से आप पढ़ाई करते हैं तो किसी भी परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो चाहे हिंदी आलोचना की बात हो, चाहे भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, आप विभिन्न अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें। एक से बढ़कर ज्ञानी और विद्वान लोग यूट्यूब पर भी हैं और आपके जो प्रोफेसर, जो विद्वान प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं यहाँ पे, वो भी आपको कक्षाओं में समझाते होंगे। यूट्यूब पर ही निर्भर नहीं रहना है आपको, प्रोफेसर बहुत टैलेंटेड और जीनियस लोग हैं, वो पूरा केंद्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर परीक्षा पास करके वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। तो उनके लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है और अवधारणाओं को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आपके पास अभी माध्यम बहुत है, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड प्रोफेसर के सानिध्य में और यूट्यूब में भी एक से बढ़कर एक विद्वान यहाँ पर जो है वो पढ़ा रहे हैं आपको। तो अवधारणाओं को आप पहले समझें फिर उसको याद करें। याद तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अवधारणाओं को समझने पर ज्यादा जोर दें। तो दूसरा पक्ष ये हो गया। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वह है नोट्स जरूर बनाएं।
अब क्या है, बहुत सारे छात्र कहीं से नोट्स मिल गया, जैसे मेरे आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, सभी छात्र उसी को पढ़ रहे हैं, सभी छात्र उसी प्रकार का उत्तर लिख रहे हैं, तो मूल्यांकनकर्ता के पास क्या है, आपकी अच्छी इमेज नहीं बनेगी कि खाली इन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नोट्स इन्होंने पढ़ लिया, पर्टिकुलर गाइड से पढ़ लिया। तो आपके उत्तर में मौलिकता होनी चाहिए, आप नोट्स जरूर बनाएं और बिंदुवार नोट्स बनाएं, उसमें बिंदु भी रखें, पॉइंट वाइज आप नोट्स बनाएं, है ना, पैरा वाइज। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है पुराने प्रश्न पत्र का अवलोकन करना बहुत ही जरूरी है। कम से कम पिछले 5 साल के प्रश्नों को देखना है आपको, चाहे आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो या फिर लिखित परीक्षा दे रहे हो। पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्र देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना बहुत ही जरूरी है, उसी के हिसाब से हम फिर अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। इसके बाद जैसे गाइड वगैरह जो उपलब्ध होते हैं मार्केट में, या फिर इस टाइप के जो शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं जिनको पढ़कर आपका उद्देश्य होता है कि आप परीक्षा को पास कर लें, तो BA MA की परीक्षा पास करने का आपका उद्देश्य है उत्तीर्ण होने का, तो BA MA की परीक्षा तो आप निसंदेह पास कर लेंगे, अच्छे अंकों से भी कर लेंगे, अगर मार्क्स आपको लाना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, जैसे कि आप UPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, PSC PCS वगैरह की, या फिर UPSC संघ लोक सेवा आयोग में हिंदी साहित्य को आप वैकल्पिक विषय लेकर तैयारी करना चाह रहे हैं, और या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, मतलब आपका लक्ष्य यदि कोई बड़ा है, यदि कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, तब आप ये शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, आप बहुत ही प्यार और मेहनत से पढ़ें। आप बहुत ही खुशकिस्मत है कि आप हिंदी साहित्य के छात्र में, हमेशा यह कहता हूं, ये दूसरे सब्जेक्ट जैसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जैसा नहीं, साहित्य के संबंध संवेदना से होता है, इसको बहुत प्यार से बहुत रुचि से पढ़ा जाता है, साहित्य को महसूस किया जाता है, खाली पढ़ा नहीं जाता, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। तो आप शॉर्टकट रास्ता अपनाकर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप बार बार उत्तर लिखने का अभ्यास करें। बार बार उत्तर लिखने का अभ्यास करने से क्या होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और आप आपकी लिखावट सुधरेगी, क्योंकि हिंदी साहित्य में जब आप लिखित उत्तर लिखते हैं तब आपके हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आपकी लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए और उसमें वर्तनी की गलतियां बिल्कुल नहीं के बराबर होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहीं पे। और ये कैसे होगा, बार बार जब आप शब्दकोश देखेंगे और अच्छे जो लेखक हैं उनकी किताबों को आप पढ़ेंगे तभी आप इसमें सुधार कर पाएंगे। लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है, खासकर ये UPSC वगैरह, इसमें समय बहुत कम होता है, तो आपको क्या है बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है कम समय में, है ना, शब्दों का भी वहां पर निर्धारण रहता है, इतने शब्दों में इतने उसमें लिखना है, तो आपको क्या है लिखने का अभ्यास अधिक से अधिक करना है, इससे आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, लिखने की स्पीड बढ़ेगी और जो वर्तनी की जो अशुद्धियां होती हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होते हैं उसमें भी सुधार होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद जो स्तरीय लेखकों की किताबों का आप अध्ययन करें, बड़े बड़े लेखकों की किताबों का अध्ययन करें, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, मतलब ऐसे स्थापित है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, जो स्थापित और बड़े बड़े लेखक हैं विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न बड़े बड़े समीक्षक या आलोचक हुए हैं, उन किताबों का अध्ययन करना है, मतलब गाइड वाइड इन सब के भरोसे में नहीं रहना, स्तरीय किताबों को आपको अध्ययन करके अपना खुद का नोट्स बनाना है। अब इसमें क्या होता है, कुछ छात्र क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, उनको पढ़ते नहीं है, बिब्लियोफाइल बोलते हैं उनको, तो क्या उनको किताबें खरीदने का शौक होता है, बहुत सारी किताबों को खरीदना, एक ही सब्जेक्ट पेपर और सजा कर रखना रूम में, पढ़ेंगे कभी नहीं, तो आप इस हैबिट से आप बचिए, बहुत सारी किताबों को खरीद कर कम बार पढ़ने के बजाय कम किताबों को आप बार बार पढ़िए, ठीक है, आप ध्यान रखिए, बहुत सारी किताबों को खरीद कर रखने के बजाय, बहुत सारी किताबों को खरीद कर कम बार पढ़ने के बजाय कम किताबों का बार बार अध्ययन करें, और वहां जरूरी है वहां साफ सुथरा आप मार्किंग करके भी रखें किताब में, पेंसिल वगैरह से, किताबें पढ़ने का भी तरीका होता है, किताबों का बहुत प्यार से अच्छे से रखें और उसमें कवर वगैरह लगाकर रखें और उसमें मार्किंग करके जहां पर है ना खास खास बिंदु है वहां पर कुछ नोट्स वगैरह लिखना चाहें तो साफ सुथरा लिख सकते हैं, किताबों को गंदा भी नहीं करना है आपको। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आप अकेले मत पढ़ते रहिए, मतलब आपको क्या है आपने जिस विषय की जिस अवधारणा की आपने तैयारी की आपने उसकी पढ़ाई की है उसका अपने मित्रों के साथ अपने प्राध्यापकों के साथ चर्चा भी करिए, या मित्रों के साथ चर्चा परिचर्चा करिए, या फिर एक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, सारे दोस्त आप इकट्ठा होंगे एक जगह आकर आप चर्चा परिचर्चा करिए विभिन्न विषयों पर, तो कुछ बातें जो आपको न पता हो सकता है आपके मित्र बता दें कि ये पॉइंट छूट रहा है इसको हम जोड़ सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लिखित परीक्षा में जैसे 10 प्रश्न हैं और आपके पास 3 घंटे का समय है, तो आपको समय का निर्धारण, समय का विभाजन इस प्रकार से करिए कि आप सभी प्रश्नों को बराबर समय दे पाए, जो छोटे उत्तर वाले प्रश्न है लघु उत्तरी जो प्रश्न है उसको कम समय देना है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको आपको अधिक समय देना है, तो ऐसा आपको समय का विभाजन लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है,
समय का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक पॉइंट जो हमेशा बोलता हूं मैं आपको, शब्द को देखने की आदत डालिए। किसी भी शब्द का अर्थ यदि आपको पता नहीं है, आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं और आप बार बार शब्द को आपको देखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका वर्ड अपार होगा, वोकैबुलरी जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, उतनी अच्छा आप उत्तर लिख पाएंगे और आप विभिन्न अवधारणाओं को भी समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसके लिए शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, शब्दों का अर्थ जानना और उनका प्रयोग मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद एक पॉइंट तो आपको मैं बोलूंगा ही कि आप मेरी वेबसाइट तो आप देखते रहिए, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आपको वहां पर मेरे लेक्चर जो होते हैं यूट्यूब में, बहुत ही स्टडी मैं लेक्चर्स बनाता हूं और मैं प्रयास करता हूं, पता नहीं आप लोगों को कितना पसंद आता है। मेरी दो वेबसाइट्स भी है, हिंदी शिखर और हिंदी अदब करके, तो उसमें भी मैं बहुत ही क्वालिटी उच्च स्तरीय कंटेंट उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि जब भी आपको जरूरत हो आप उसको रिफर कर पाए। बहुत सारी किताबों से मैं नोट्स लेता हूं, तो आपको एक जगह मेरा कंपाइल किया हुआ सारा आइटम मिल जाएगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कुछ छात्र क्या चाहते हैं जो ग्रेजुएशन में जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य लिए हुए हैं और वो ट्रांसलेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, और उसके बाद जो केंद्र अभी हिंदी में करियर के क्या अवसर है वो मेरा वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने बताया है कि हिंदी साहित्य के साथ यदि अंग्रेजी में भी आपका अच्छा कमांड हो तब क्या है, वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अंग्रेजी पर भी महारत हासिल करने का प्रयास करें, यह मत सोचिए कि हम हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो हमारा इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होना चाहिए या हम इंग्लिश में फ्लुएंट ना हो। अंग्रेजी भी भाषा भी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता आप में विद्यमान होनी चाहिए, खास करके जब आप संघ लोक सेवा की परीक्षा में साक्षात्कार में जाते हैं तब आपका अंग्रेजी में अच्छा कमांड होना चाहिए। कई बार क्या होता है साक्षात्कार पूरी तरह अंग्रेजी बेस्ड हो जाता है, तो आपको आपके मन में किसी प्रकार की इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, हीनता बोध नहीं होना चाहिए। आप 2 महीने प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से आप अंग्रेजी में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो आप मेरी बात ध्यान में रखिए, जितना बड़ा यदि आपका टारगेट है, अगर आप यूपीएससी का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में आपका अच्छा अधिकार होना चाहिए और 2-3 माह इसके लिए पर्याप्त है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यदि किसी परीक्षा में आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीयूईटी है या फिर यूजीसी नेट जीआरएफ है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, अब यहां 2 प्रकार की स्थिति है, केवल निगेटिव मार्किंग है कि उसमें नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरे प्रश्नों को हल करिए, कोई भी मत छोड़िए। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग है तब आपको क्या करना है, जिसमें पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंस है कि यह उत्तर सही है, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें। थोड़ा मोटा चांस ले सकते हैं लेकिन ज्यादा चांस आपको नहीं लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पुराने प्रश्न पत्रों को बार बार हल करना है, पुराने प्रश्न पत्रों को आपको बार बार हल करना है, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है और आपको नोट्स को पढ़ना है, पुराने पेपर्स आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा। तो निगेटिव मार्किंग वाली बात हो गई। इसके बाद लिखित परीक्षा में मैं बता चुका हूं, लिखित परीक्षा में आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपकी लिखावट अच्छी है, कोई वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं है और आपने काट छाट नहीं किया है, तो आपका जो मूल्यांकन करता है आपके उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। तो अगर आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं तो आपको जो मूल्यांकन करता है, जो लिसनर है, उसको आपको बाध्य करना है कि आपकी उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से पढ़े, उसको हेडेक ना हो। तो आपकी लिखावट बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, उसमें वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ छात्र में मैंने यह भी देखा कि वह शिरोरेखा नहीं खींचते हैं। हिंदी में शिरोरेखा का बहुत महत्वपूर्ण है। शिरोरेखा मतलब समझ रहे हैं, जैसे क कमल लिखा तो आपने ऊपर में जो लाइन होती है, मतलब ऊपर में जो लाइन खींचते हैं हम, उसको बोलते हैं शिरोरेखा। तो अगर आपकी ये हैबिट है तो बदल डालिए। शिरोरेखा हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में शिरोरेखा नहीं होता, अंग्रेजी में तो हम लिखते चले जाते हैं, लेकिन हिंदी की जहां तक बात है शिरोरेखा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऊपर में जो लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा खींचे और दोनों तरह से थोड़ा आगे बाहर भी निकालें, जैसे हम घर बनाए छत बनाते हैं ना, तो छत की जो मुंडेर होती है थोड़ी थोड़ी निकली होती है दोनों तरफ से, ऐसे जो निकला होता है ना थोड़ा सा, तो ऐसा थोड़ा सा निकला रहना चाहिए तब अच्छा दिखता है। शिरोरेखा पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अधिक से अधिक अध्ययन करना है आपको हिंदी साहित्य को। आप बिल्कुल मतलब बहुत प्यार और बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए, बहुत रुचि से पढ़िए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप खुशकिस्मत हूँ, मैं भी हिंदी साहित्य का छात्र हूं, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। तो आप अधिक से अधिक अध्ययन करें, इसे रुचि से पढ़ें, एकदम बर्डन लेकर ना पढ़ें। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी या कोई दूसरा इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है, कोई कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या सिविक्स इस टाइप का सब्जेक्ट नहीं है। ये रुचि का विषय है, साहित्य संवेदना का विषय है, महसूस करने का विषय है। तो इसको इंटरेस्ट से पढ़ना है आपको। अरे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, तब इसको कैसे पढ़ूं, आलोचना है, अरुचि नहीं होनी चाहिए। पहले समझिए, उसके बाद बहुत इंटरेस्ट से उसको पढ़िए, पढ़ने से आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पास स्टडी मटेरियल की समस्या होती होगी, निश्चित रूप से आप बहुत सारी किताबें खरीद कर नहीं पढ़ सकते,
छात्र जीवन में कुछ आर्थिक परेशानियां भी होती हैं। सभी छात्रों के पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं होता कि एक एक सब्जेक्ट पर बहुत सारी किताबें खरीद लें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंटरनेट तो आपके पास हमेशा उपलब्ध रहता है, इंटरनेट पर हिंदी साहित्य की प्रचुर मात्रा में स्तरीय सामग्री उपलब्ध है। जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, या फिर अन्य जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं दूसरे स्टेट्स के, उनकी आप हिंदी साहित्य का जो नोट्स होता है उसको आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप अपना पॉइंट वाइज नोट्स बना लें उसके आधार पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज की जो किताबें हैं, बड़े बड़े विद्वान लोगों ने उन नोट्स को तैयार किया है, तो उसमें से आप सारगर्भित नोट्स तैयार कर लेते हैं। अगली बात जो मैं बताना चाहूंगा वह है, दूसरे के नोट्स पर निर्भर ना रहें। जैसे मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ, बहुत सारे मतलब मेरे उसमें लेक्चर्स में आपको मैं पीडीएफ देता हूँ कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब पीडीएफ से क्या होगा, देश में हजारों छात्र हैं, उसी को डाउनलोड करके उसी उत्तर को याद करके लिख देंगे परीक्षा में, इसे मूल्यांकनकर्ता के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। मतलब मैं चाहता हूं आप मौलिकता हो, आप में आपका उत्तर बिल्कुल मौलिक हो, कि मूल्यांकनकर्ता को लिखे कि आपने स्वयं लिखा है, पढ़कर लिखा है। तो आपको अपने नोट्स पर निर्भर रहना है, दूसरे के नोट्स पर निर्भर नहीं रहना है। भले ही आपको नोट्स डाउनलोड कर लें कहीं से भी, लेकिन आप क्या है उसका आप अपने नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे क्या होगा, सभी छात्र एक जैसा नहीं लिखेंगे। इसके बाद है उत्तर कैसे लिखना है लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप जरूर इंट्रोडक्शन से चालू करें, प्रस्तावना से, लेकिन प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं रहती, आप सीधा उत्तर लिखना चालू करें, और अंत में निष्कर्ष शब्द करके निष्कर्ष जरूर लिखें। एक बात तो यह हो गई। दूसरा, उत्तर लिखते समय यदि आप किसी कवि या लेखक के किसी उसका लिख रहे हैं, जैसे गोदान के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, राजदरबारी के ऊपर कुछ लिख रहे हैं उत्तर, जैसे महिला अंचल की आंचलिकता के ऊपर आप उत्तर लिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पंक्तियों को आप जरूर कोट करें, लेखक या कवियों के पंक्तियों को जरूर उद्धृत करें। इसी प्रकार उसके संबंध में यदि आलोचकों के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन है उसके संबंध में, तो आलोचकों के जो स्टेटमेंट है उसको भी उद्धृत करें। तो अगर आपके पास समय है तो आप दूसरे कलर से लिख सकते हैं, अलाउ है यदि तो काला कलर से आप लिख सकते हैं। तो आपको कवियों और लेखकों के जो कथन है जो उनके उसमें आए हुए हैं, जैसे गोदान के जो टेक्स्ट बुक में जो कथन आए हुए हैं, होरी क्या बोलता है, या फिर जो भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वैसे राग दरबार में है, तो उनको जरूर उद्धृत करें, आलोचकों के स्टेटमेंट को भी उद्धृत करें। लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समय सीमा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना होता है, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। इसके लिए समय सीमा के भीतर उत्तर समाप्त करने के लिए बार बार अभ्यास करें। यूपीएससी व पीएससी वगैरह में तो बहुत ही जरूरी है, और कॉलेजेस में भी आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं होता है, तो आप क्या करना है, बार बार आपको लिखने का अभ्यास करना है। पिछले 4-5 साल, कम से कम 5 साल के प्रश्नों का आपको अभ्यास जरूर करना है उत्तर लिखकर, है ना। पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र जरूर देखें, और इसके बाद मैं बता रहा हूं आप हमेशा उत्तर अपना बिंदुवार उत्तर लिखें, पॉइंट वाइज आंसर लिखें, और पैराग्राफ जरूर बनाएं, अलग अलग पैरा में अलग अलग पैरा जब बनाकर उत्तर लिखें, और सभी पैराग्राफ आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, है ना। अचानक से यानी कहां से दूसरा पैरा चालू हो गया, कुछ कनेक्शन ही नहीं, ये हो चुका। और इसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना और निष्कर्ष क्या है, लंबे प्रश्नों में जरूरी रहता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको आपको 20 या 50 शब्दों में लिखना है, तो वहां ये सारी चीजें आप नहीं लिख सकते, लेकिन प्रस्तावना जो शब्द है वो लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन निष्कर्ष जो शब्द है वो आखिरी में जरूर लिखना होता है। हमेशा उत्तर में आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी है, और निष्कर्ष में क्या लिखते हैं, ऊपर आपने जिन बातों का विस्तार से वर्णन किया है उसको संक्षेप में लिखना क्या होता है, वह होता है निष्कर्ष होता है। इसके बाद आपकी लिखावट, लिखित परीक्षा में आपकी लिखावट सर्वाधिक मायने रखती है, हमेशा ध्यान में रखिए। आप कितना भी उत्तर अच्छा लिख दें, यदि आपका लिखावट पठनीय नहीं है, सुंदर नहीं है, तो जो मूल्यांकन करता होगा उसका मूड शुरू में ही बिगड़ जाता है। तो आपको उनको अट्रैक्ट करना है कि आप मेरे उत्तर को पढ़ें, उनको मजबूर करना है कि आप मेरे उत्तर को पढ़ें। तो लिखावट सुंदर साफ सुथरी होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए, कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपको बार बार पढ़ने से आप इन चीजों को आप वो कर पाएंगे। और लिखित परीक्षा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फर्क ये होता है, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। आजकल जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में अवधारणाओं पर बेस्ड आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, आपको गहराई में अंदर तक जाकर अध्ययन करना होता है। तो जब भी आप किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा के लिए, तो आपको प्रयास करना है कि पूरी गहराई में जाकर उसका अध्ययन करें, तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस प्रकार मेरा इतने वर्षों का जो अध्ययन है, बहुत सारे एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किया, बहुत सारे में असफल भी रहा, हर परीक्षा हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, तो ये मैंने जो मेरा अनुभव है आप लोगों को बताया है। और यदि कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। यदि और आज का मेरा यह लेक्चर कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, साथ ही आप अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद।